चीन को टक्कर देने के लिए भारत खुद को बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर पेश कर रहा है। दुनिया की सबसे प्रमुख टेक कंपनीज में से एक एप्पल इंक ने हाल ही में भारत के अंदर अपना आईफोन प्रोडक्शन बढ़ाया है। इसके साथ दूसरे डिवाइस के प्रोडक्शन को भी भारत में शुरू करने की योजना है। भारत में यह काम उसकी प्रमुख सप्लायर फॉक्सकॉन करती है। फॉक्सकॉन को लेकर नौकरी में भेदभाव की बातें सामने आई और ऐसी खबर है कि फॉक्सकॉन दक्षिण भारत के प्लांट में शादीशुदा महिलाओं के जॉब एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर रहा है। मतलब यह है कि महिलाओं को सिर्फ नौकरी पर इसीलिए नहीं रखा जा रहा क्योंकि उन्होंने शादी कर ली है, वो मैरिड है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में फॉक्सकॉन इंडिया आईफोन प्लांट में भेदभाव का खुलासा हुआ। तमिलनाडु स्थित फॉक्सकॉन इंडिया आईफोन प्लांट से जुड़ा यह पूरा मामला सामने आया, जहां पर शादीशुदा महिलाओं को नौकरी पर नहीं रखा जा रहा है। दावा यह है कि कंपनी का कहना है कि शादी के बाद महिलाओं के ऊपर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है, जिससे उनके काम पर प्रभाव पड़ता है, जबकि अविवाहित महिलाओं के पास जिम्मेदारियां कम होती हैं। अगर विवाहित महिलाओं को काम पर रखा जाएगा तो कंपनी का काम प्रभावित हो सकता है। जो भी महिलाएं शादीशुदा थीं, इंटरव्यू से पहले उन्हें गेट से ही वापस भेज दिया गया। और रॉयटर्स ने अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह कहा है कि मार्च 2023 में पार्वती और जानकी नाम की दो महिलाएं फॉक्सकॉन की फैक्ट्री में नौकरी के लिए जाती हैं। दोनों की उम्र 30 वर्ष से कम है। फैक्ट्री के गेट पर मौजूद गार्ड उनसे उनके शादीशुदा होने को लेकर सवाल पूछते हैं कि स्टेटस क्या है मैरिड, और उनके हां में जवाब देने पर उनको गेट से वापस लौटा दिया जाता है। आप जरा सोचिए, जिस देश में राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर महिला हो, वित्त मंत्रालय की कमान महिला के हाथ में हो, वहां पर एक विदेशी कंपनी विवाहित महिलाओं को नौकरी नहीं दे रही है, ऐसी मानसिकता को लेकर आप क्या कहेंगे? और जैसे ही यह मामला तूल पकड़ने लगा, जैसे ही श्रम मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लिया और कंपनी को केंद्र सरकार ने तुरंत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दे दिया। हालांकि इस मामले पर तूल पकड़ने के बाद दोनों ही कंपनियां एप्पल और फॉक्सकॉन ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। दोनों ही कंपनीज का यह कहना है कि वो भारत में शादीशुदा महिलाओं को भी जॉब ऑफर करती हैं। हायरिंग प्रोसेस में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता। इसके साथ ही दोनों कंपनीज ने कहा है कि उनकी हायरिंग पॉलिसी में जेंडर या फिर मैरिटल स्टेटस के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव करने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। दरअसल भारत में फॉक्सकॉन का सबसे बड़ा कारोबार आईफोन को असेंबल करना है। पिछले कुछ साल से इस कंपनी का कारोबार और तेजी के साथ बढ़ा है। फॉक्सकॉन करीब 70% आईफोन को असेंबल करती है। यांग लियो इस कंपनी के सीईओ हैं और यह कंपनी दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर भी है।